थैंक यू वेरी मच, आप सबने मेरी वीडियोस को बहुत लाइक किया, सब्सक्राइब किया। मैं अभी तक बात कर चुका हूँ 5 पिलर्स की सक्सेस के, इसके अलावा मैं बात कर चुका हूँ सक्सेस की डेफिनेशन की, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्थी गोल्स। आज हम बात करेंगे गोल्स की। लक्ष्य होना जरूरी है क्या? जी हाँ, लक्ष्य हमारी जिंदगी को एक दिशा देता है। उस ट्रेन में कोई चढ़ेगा क्या जिसका डेस्टिनेशन ही फिक्स ना हो? क्या कोई चढ़ना पसंद करेगा जब इतना लिखा हो कि वो कौन कौन से स्टेशन पे और कब कब रुकेगी? कोई नहीं चलेगा। हम सारे लिमिटेड वैलिडिटी, हम सबको कभी ना कभी तो वापस चले जाना ही है, तो क्यों ना अपने लक्ष्य तय करें। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस ने एक स्टडी की थी और पाया कि 90% ऑफ द पीपल ऑन दिस अर्थ डू नॉट हैव गोल्स इन देयर लाइफ। दे लिव देयर लाइफ टिल द एज ऑफ से 23-24 एंड 65 साल में उनकी अर्थ ले जाएगी, क्योंकि उसके बाद वो अपने लक्ष्य भूल जाते। दे लिव अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस इन व्हिच दे आर इन, और 65 साल में बस अर्थ ले जाने का ही काम है। लेकिन जिन लोगों के जिंदगी में लक्ष्य होते हैं, जो लोग कुछ तय करके चलते हैं, जो लोग अपने जिंदगी में एक मुकाम फिक्स करते हैं, वो लोग जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। आप बताएं, क्या उस ट्रेन में कोई चढ़ना चाहेगा जिसका डेस्टिनेशन ही ना लिखा हो, या किस किस स्टेशन पे कब कब रुकेगी ये ही ना लिखा हो? हम सारे के सारे लिमिटेड वैलिडिटी प्रीपेड कार्ड की तरह हैं, हमको कभी ना कभी तो चले ही जाना है, तो क्यों ना अपनी जिंदगी में लक्ष्य तय करें। बहुत सारे बोलते हैं सर मेरी तो जिंदगी जो नहीं, अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य तय करें और आगे बढ़ें। मैं उन लक्ष्यों की बात करूंगा जो हम सबकी जिंदगी में हमें आगे बढ़ा सकते हैं। स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, एस फॉर स्पेसिफिक, तय होना चाहिए कि जिंदगी में करना क्या है। एक पेपर में आपने आग लगानी और लेंस को हिलाते रहेंगे तो आग लगेगी क्या? जी हाँ, बिल्कुल नहीं लगेगी, तय होना चाहिए। और फिर एम फॉर मेरेबल, माउंट एवरेस्ट पे जो लोग चढ़ते हैं उनके बेस कैंप फिक्स होते हैं, इतने घंटे इतने किलोमीटर चलने के बाद यू हैव अ बेस कैंप, गो एंड स्लीप। और वो लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, पर मान लो जिनके अगर बेस कैंप ही फिक्स ना हो तो पता नहीं किस पार्ट पे चढ़ेंगे या चढ़ेंगे वे नहीं। तो मेजर करना बहुत जरूरी है अपने लक्ष्य को। ए फॉर अचीवेबल, जिंदगी में अचीवेबल, जो लोग 6 फुट की छलांग लगा सकते हैं वो 8-9 फुट की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर 12 फुट की कोशिश करेंगे तो उनके पैर टूट जाएंगे। इसलिए अचीवेबल को फिक्स करें। रियलिस्टिक, बहुत सारे माँ बाप बड़ा गोल फिक्स करें लेकिन इतना बड़ा ना फिक्स करें कि कभी वो कर ही ना पाए। और टी फॉर टाइम बाउंड, समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए किसी भी गोल को फिक्स करें। बहुत सारे बोलते हैं सर एक्चुअली क्या है, गोल्स हम फिक्स तो करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, मेजर भी करते हैं, अचीवेबल भी फिक्स करते हैं, रियलिस्टिक भी होते हैं, लेकिन अचीव नहीं कर पाते। तो मैं उनके साथ अपना एक दोस्त साथ छोड़ के जा रहा हूं जिसका नाम है टाइम लिमिट। ये टाइम लिमिट ही मैग्नेट की तरह आपको खींचेगा, यही बोलेगा, यही पूछेगा अरे कितना कर लिया और कितना है, कब करना है, कब करेगा। तो स्मार्ट गोल्स फिक्स करना जरूरी है। गोल्स हमारी जिंदगी को दिशा देते हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। पुराने जमाने में होता था कि मान लो किसी की मृत्यु होने वाली हो तो नाता नाती पोता पोती को फोन करके बुला लिया करते थे कि भाई एक बार अंतिम दर्शन कर जाएं। और सोचो कि हम सबके जाने का समय आ जाए और हमारे चारों तरफ 4 बड़े बड़े भूत लाल लाल आंखें करके घूर रहे हो और बोले अफसोस आज हमें तुम्हारे साथ मरना पड़ रहा है। और ये भूत कौन है? ये भूत है हमारे आइडियाज, ये भूत है हमारी इमेजिनेशन, ये भूत है हमारी टैलेंट, ये भूत है हमारी पोटेंशियल, ये भूत है हमारी लीडरशिप क्वालिटी जिसको हमने जिंदगी नहीं दी। हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे कि कल जब मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं ये वाला काम करूंगा, कल जब मेरी शोहरत हो जाएगी तो मैं ये वाला काम करूंगा, ये सेवा का काम करूंगा, वो वाला काम करूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली उससे पहले हमारे जाने का ही टाइम आ गया, क्योंकि हमारे जाने का टाइम हमें से किसी को नहीं पता कब आ जाएगा। तो क्यों ना वो सारे काम आज ही कर डालें, क्यों हम उन्हें प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे यानी कि कल पे डालते रहे। तो अगर आपने जिंदगी में कोई गोल फिक्स किए हैं तो आज ही से उन्हें पूरा करने में लग जाएं। कहते हैं ना कि वर्ल्ड की वेल्दीएस्ट प्लेस कौन सी है? जी हाँ, वर्ल्ड की वेल्दीएस्ट प्लेस है शमशान घाट, क्योंकि वहां पे लोगों के आइडियाज, इमेजिनेशन, टैलेंट, पोटेंशियल, लीडरशिप क्वालिटी अनयूटिलाइज रही है, लोगों ने बस उनको टालते रहे और वहीं छोड़ के चले गए। आपकी टैलेंट वेस्ट ना जाए, आपकी पोटेंशियल वेस्ट ना जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में भगवान ने जो आइडिया दिया है, जो इमेजिनेशन दी है, जो टैलेंट दी है, जो पोटेंशियल दी है, उसको आज ही पूरा करने में लग जाए, कल पे ना डालें, है ना। अंतिम दर्शन के समय 4 भूत
आपके चारों तरफ नाक खड़े हो। तो एक लाइन मेरे पीछे दोहराएंगे, दोहराएंगे जी हाँ, बोलिए लिव फुल एंड डाई एम्प्टी। एक बार रिपीट करते हैं, लिव फुल एंड डाई एम्प्टी। जी हाँ, जिंदगी खुल करके जिए, 100% जिए, और जब जाने का टाइम आए तो डाई एम्प्टी। बिकॉज इफ यू कैन नॉट टेक रिस्क यू कैन नॉट ग्रो, इफ यू कैन नॉट ग्रो यू कांट बी योर 100%, एंड इफ यू कांट बी योर 100% यू कैन नॉट बी हैप्पी, एंड इफ यू कैन नॉट बी हैप्पी देन व्हाट इज द लाइफ लिविंग फॉर। बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस, इफ यू डू नॉट मेक अ चॉइस लाइफ विल चूज समथिंग फॉर यू एंड दैट कैन बी बैड ऑल्सो। लाइफ इज अ फाइट फॉर टेरिटरी, इफ यू डू नॉट फाइट फॉर वॉट यू वॉन्ट, वॉट यू डोंट वॉन्ट ऑटोमेटिकली टेक्स ओवर। सो वाई नॉट टेक चांसेस। लाइफ इज लाइक गेम ऑफ चेस, जिसमें हर किसी को कभी ना कभी मरना ही है, तो क्यों ना हम वो सामने से बोल्डली आगे बढ़कर के चाल चलें, क्योंकि साइड से कोई आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है, है ना, कोई भी नहीं है। सो क्यों ना हम आगे बढ़कर के जिंदगी में गोल्स फिक्स करें, उनको रिस्क लेकर के आगे, कैलकुलेटेड रिस्क ले, ये नहीं कि छलांग लगा दे, पहले नॉलेज गेन करें उस फील्ड के बारे में, उस एरिया के बारे में, और फिर आगे बढ़कर के अगर हम काम करें तो हम जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज ही से, जी हां आज ही से अपने गोल पे काम करना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा करना शुरू करें। जरूरी नहीं है कि एक ही साथ सारा एफर्ट कर दें, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आप जिंदगी में जो आपने लक्ष्य तय किया है उसमें प्राप्त किए बगैर आप नहीं रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया है, अगर आप इसके कारण थोड़ा सा भी प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं, तो जरूर जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, वंदे मातरम। ये सारे वीडियोस प्रगति परिवार प्रवीण नारंग के चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, आप इन सबको देख सकते हैं, लोगों को आगे बढ़ के प्रेरणा लेने के लिए उत्साहित कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा योगदान होगा। वंदे मातरम।